नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल स्टेनोग्राफर्स हब में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मासिक पत्रिका सीरीज़ शुरू की गई है, जो कि आगामी UPSI एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दिया जा रहा है, जो कि 5 मिनट का रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस सीरीज़ का 5वां डिक्टेशन आज आपको दिया जा रहा है, तो डिक्टेशन कुछ समय पश्चात शुरू होगा। महोदय, हम अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौर से गुज़र रहे हैं तथा इस संबंध में अनेक समारोहों के आयोजन हो रहे हैं। इस वर्ष में हमारी परमाणु परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के उन लाखों जाने अनजाने शहीदों को याद किया जिनके बलिदानों से देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही यह विडंबना भी रही कि हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के उन योद्धाओं की खोज खबर लेना भूल गए हैं, जिनमें से अनेक हमसे प्रतिवर्ष बिछड़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इन बुज़ुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति इस समय क्या है, इस बारे में हमें हिमाचल स्वतंत्रता सेनानी परिषद शिमला के अध्यक्ष श्री गौरी प्रसाद का एक पत्र मिला है, जिसे हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ यहाँ यथावत प्रकाशित कर रहे हैं। हिमाचल में कभी 2000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इस समय उनकी संख्या लगभग 1200 रह गई है। ये सभी 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। कुछ वर्षों बाद इनमें से कोई शेष नहीं रहेगा। इन स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार विधायकों तथा सांसदों के परिवार से बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो यातनाएं सही थी, वे किसी पद या स्वार्थ के लिए नहीं सही थी। उनका लक्ष्य तो केवल देश को दासता से मुक्त कराना था। हमने विदेशी शासन की दासता के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि प्रदेश की छोटी बड़ी 30-35 रियासतों के राजाओं व राणाओं के दमनकारी शासन से जनता को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया तथा उसके फलस्वरूप वर्तमान हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इतिहास साक्षी है कि देश की स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी इन स्वाभिमानी योद्धाओं ने सरकार में अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं की, अपना सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम में लगा देने वाले इन सेनानियों के जीवन यापन की नाजुक स्थितियों को देखते हुए केंद्र तथा प्रदेश सरकारों ने इन्हें कुछ सुविधाएं
तथा सम्मान राशि देने का निर्णय किया, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। दुख की बात तो यह है कि जहां हिमाचल में स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक समारोह किए जा रहे हैं, वहां इन स्वतंत्रता सेनानियों को किंचित भी सम्मान नहीं मिला। पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह सरकार ने इनको राहत पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिए थे, आज ठीक उसके विपरीत होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपकी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपूर्ण हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।